बेटा सच तो ये है कि तुम धीरज और सूरज आज भी हमारे उतने ही प्यारे बच्चे हो जितने पहले थे, लेकिन अब इस घर का बड़ा बेटा मोहन है और बेटी गौरी, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं माँ, नहीं। मीता शायद पूरब जो महसूस कर रहा है उसमें हमारा भी कोई दोष है। नहीं, अगर इसमें किसी का दोष है तो उसकी सोच का, और उसे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हेलो किरण, अच्छा एक मिनट। हेलो किरण, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। कब से? पूरी शाम भर मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। सॉरी डार्लिंग, फुटबॉल प्रैक्टिस में देर हो गई। नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलूंगी ना तो तुम्हारे फुटबॉल को ही पंक्चर कर दूंगी। अच्छा है, इसी बहाने मिलोगी तो सही। हाँ किरण, मुझे अभी तुम्हें मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? ताऊ जी को मालूम पड़ गया है कि मैं तुमसे मिलती हूँ, और उन्होंने कहा है कि अगर मैं तुमसे मिली तो वो मेरा कॉलेज जाना बंद कर देंगे और दूसरे दिन मेरी शादी कर देंगे। अच्छी बात है, तो मैं दूसरे दिन सहरा बांध के पहुंच जाऊंगा। स्टॉप इट किरण, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, आई एम सीरियस। अच्छा सुनो, तुम शिल्पा से मिलकर उसे कह देना कि वो डरे नहीं। उसने जो कहा था ना कि मैं उसके साथ हूँ, उसी पर डटी रहे। एक बार ताऊजी को यकीन हो गया ना, फिर हमारे मिलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके डार्लिंग, आई विल डू दैट। कल मिलोगी ना? नहीं, वो तो कल आने पर पता चलेगा। बाय। गौरी है जरा। माँ, गौरी की याद आ रही है। हम लोग हमेशा गौरी की शादी की बात करते थे, लेकिन ये एहसास कभी नहीं हुआ कि जब वो चली जाएगी तो ये घर इतना सूना हो जाएगा। मुझे तो अभी भी लगता है कि वो यही कहीं है। अभी मुझे पुकारेगी, माँ माँ मुझे भूख लगी है, माँ मेरे बाल बना दो। बस माँ, बस बस, चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। देखो, अगर अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो मुझे कौन संभालेगा माँ? मुझे भी यही चिंता है कि मैं भी किसी दिन चली जाऊंगी तो तेरा क्या होगा? तू कहाँ जाएगी माँ? बेटा, मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी ना। हर एक को एक ना एक दिन भगवान के पास जाना ही होता है। माँ प्लीज, ऐसी बातें मत कर। अरे बेटा, माँ मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज। माँ, संजय ने जो नौकरी मेरे लिए देखी है उसके इंटरव्यू के लिए मुझे बॉम्बे जाना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कल ही चला जाऊं। ठीक है, ये काम भी जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो कल ही चला जा। अब आपने FIR की कॉपी पढ़ ही ली है, समझ ही गए होंगे कि वो आपको तबाह करने पे तुला हुआ है। देखिए, इस केस को मैं डीले कर सकता हूं, मगर इस केस की तरफ से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे ऊपर और भी है। अगर मैंने इस FIR पे एक्शन नहीं लिया तो वो लोग मुझ पर एक्शन लेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्री जी की नजरों में ये केस
देखिए कमिश्नर साहब, इस केस में सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं बल्कि आपका भी फायदा हुआ है, हैं? और मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं। अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं आपको भी साथ लेके जाऊंगा, याद रखिए आप। देखिए पृथ्वी जी, ऐसी धमकियां हम पुलिस वालों को रोज मिलती हैं, मगर आपके धमकी की परवाह न करते हुए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम पुलिस वाले चुप बैठे, तो पहले आप अपने बेटे को चुप कराइए, उसे समझाइए। देखिए वैसे इस केस में कोई दम है नहीं, सुखिया के साथ आपको डील करते वक्त किसी ने नहीं देखा, और मोहन या सीता का बयान कोई सबूत नहीं हो सकता। हाँ सबूत हो सकता अगर सुखिया के किसी साथी ने बयान दिया तो, और वो उन्हें मिलेगा नहीं। देखिए प्रॉब्लम का हल आपके घर में है, बेहतर होगा आप उसे वहीं ढूंढें। ठीक है कमिश्नर साहब, मैं वो धनराज को समझाने की कोशिश करूंगा। वो देखो अकेला बैठा। हाय धीरज। हाय सर। ओ हाय भाई, क्या बात है भाई, अकेला अकेले बैठे हो? क्या करूं सीमा, एक्चुअली यू नो मुझे कोई दोस्त बनाने के काबिल ही नहीं दिखता यार, तो मैं क्या करूं? इस पूरे कॉलेज में एक भी नहीं है। इलेपो सर। वो धीरज। हां वो देख पायल हटा यार, उसे भी तुम्हारे जैसे बीमारी लग गई है, हर वक्त अकेली बैठी रहती है घर पे भी। पायल इधर आके बैठो ना हमारे साथ। मैं यहाँ ठीक हूँ। पायल इधर आओ प्लीज। हाय गाइस। हाय। ए सूरज, मेरे पास फिल्म की 4 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स हैं। कौन सी फिल्म? जेम्स बॉन्ड की नई पिक्चर है, चले? तो चलते हैं, बल्कि हम लोग भी 4 हैं। चले पायल। हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरज से जरा पूछ लो कहीं मेरे साथ जाने में उसे एतराज तो नहीं। माय 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 माय, तुम तो काफी समझदार हो पायल, तुम ये भी जान गई कि मुझे बेइज्जती करवाना अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड। सॉरी गाइस, वो क्या है मुझे पढ़ना है यार। हाँ सी यू, बाय बाय। धीरज इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। अब तुम कहाँ जा रही हो? आई लाइक टू बी अलोन एंड प्लीज लीव मी अलोन सीमा। This is ridiculous. Too much यार। सूरज जाओ धीरज से जाके बात करो। मैं क्या बात करूँ सीमा, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। ठीक है मैं ही जाके बात करती हूँ। हाय धीरज। धीरज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एनीथिंग न्यू पायल, या वही जिसा बेटा डालो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अगर तुम ये सुन सुनकर तंग आ गए हो और तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकते, तो कम से कम मेरे प्यार का मजाक तो मत उड़ाओ। डैम इट। ए हेलो होल्ड इट। देखो मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें भी नहीं जानना चाहता। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था? बट ट्रस्ट मी, उस वक्त मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानती थी और मैं अपनी गलती मानती हूँ एंड आई एम सॉरी। इसकी कोई जरूरत नहीं। ओके इट्स टू लेट नाउ। तो तुम मुझे इसकी सजा जिंदगी भर दोगे? अब तुम जाओ यार यहाँ से प्लीज, मुझे ये झूठे नाटक अच्छे नहीं लगते। ओके एक तो प्लीज चिल्लाना बंद करो, और मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम ऐसा बर्ताव मेरे साथ क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम ही अच्छी तरह जान गए हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम तो अब भी मेरे बगैर रह रही हो, हां? और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में भी तुम मेरे बगैर रह पाओगी। ओके लिसन मिस्टर, फ्यूचर की बात ना तुम कह सकते हो और ना ही मैं कह सकती हूँ, लेकिन आज एक बात मैं यकीन से कहती हूँ कि इसके बाद मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगने नहीं आऊंगी। धीरज धीरज, जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा, और जो पायल मेरे साथ करी थी वो अच्छा करी थी? लेकिन वो तुमसे माफी मांग चुकी है। तो मैं क्या करूं? देखो सीमा, पायल मेरे दिल से उतर चुकी है। इज इट क्लियर?
कैसे हो लाला जी? मेरे लिए कोई सेवा? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। ओहो ससुर जी, वो इस वक्त घर पे नहीं है। उससे कहो कि मुझसे आके मिले। उनसे मिलने के लिए आपको ही दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि गरज आपकी है। ना कहा है उतना करो, उसे कहो मुझसे आके मिले। मैं उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन आप उनका जवाब सुनते जाइए। कैसा जवाब? उसी सवाल का जो आप झोली फैलाकर यहाँ करने आए हैं। जबान संभाल के बात करो राधा। मैंने आपसे पहले ही कहा था आप जवाब सुनते जाइए। आप उनसे अपना केस वापस लेने के लिए कहने आए ना, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और ये फैसला मेरे और उनके दरमियान बहुत पहले हो चुका है। अब चाहे आप मिन्नतें करें, गिड़गिड़ाए या धमकी दे, लेकिन वो केस वापस नहीं लेंगे। आपने सीता माँ पर और हम सब पर जो भी जुल्म किए हैं, उन सब की सजा वो आपको दिला के रहेंगे। समझ गए आप? हाँ, मैं इतना तो जरूर समझ चुका हूँ कि तुम्हारे बहकावे में आकर मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन चुका है। वो मुझे उन सारे जुर्मों की सजा दिलाना चाहता है जो मैंने कभी किए ही नहीं। हाँ। जबकि अगर सजा पानी है तो मैं उस जुर्म की सजा पाऊंगा जो मैं करने जा रहा हूं। रुक जाइए, अपने हाथ संभालिए वरना हाथ तोड़ के रख दूंगा। क्या तुम अपने बाप का हाथ तोड़ोगे? जो हाथ मेरी बीवी के गले की तरफ बढ़ रहे हों उन्हें मैं कसाई के हाथ समझता हूं, बाप के नहीं। इसी वक्त यहां से चले जाइए, जिस तरह से मैं और राधा आपका घर छोड़कर चले आए थे। नहीं धनराज, मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं वो कहकर यहां से जाऊंगा। जब मुझे आपकी बात माननी ही नहीं तो सुनकर क्या करूंगा? बेटा धनराज, तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं सुन तो लो। पिताजी, आप अपनी शर्म इस तरह खो बैठेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। बेटे, पृथ्वी जी हमारे घर आए। हाँ, आपकी बेटी का गला घोटने के लिए आए हैं और ये सब देखकर भी आप खामोश हैं। ऊपर से आप चाहते कि क्योंकि वो हमारे घर आए हम उनका आदर करें। जो बेटी अपने बाप का आदर नहीं कर सकती वो अपने ससुर का आदर क्या करेगी? मुझे तुमसे आदर करवाने का कोई शौक नहीं। मैं सिर्फ अपने बेटे से कुछ कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर तुम उसे सुनने की इजाजत दो तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको इजाजत दी। मैं उसे अकेले में बात करना चाहता हूं। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ससुर जी इतने शर्मीले हैं। चलिए पिताजी, इन्हें जरा अकेले में बात करने दीजिए और फिर इन्हें घर भी तो जल्दी जाना है। आओ धनराज, बैठो। बेटा, मुझे बहुत नाज है तुम पे। आज तक जो थोड़ा बहुत मैंने तुम्हारे लिए किया है उसका बहुत अच्छा सिलसिला दिया है तुमने मुझे। मेरे खिलाफ FIR दर्ज करके तुमने वो काम किया है जो मुझे से बाप का बेटा ही कर सकता था। देखिए, मुझे इन जज्बाती बातों में लाने की कोशिश मत कीजिए, काम की बात कीजिए। बेटा धनराज, किसी के खिलाफ शिकायत की इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मुकदमा बन गया। तुमने मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज किया है उसके लिए तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? कोई गवाह है? कोई विटनेस है? कोई ये कह सकता है कि जो तुमने कहा वो सच था? कोई चश्मदीद गवाह है तुम्हारे पास? हो ही नहीं सकता बेटे, क्योंकि मेरी बहन सीता को अगवा कराने में मेरा बिल्कुल कोई हाथ नहीं था। अच्छा किया आपने बता दिया, अब मैं सबूत ढूंढने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन सबूत मेरे पास है। यह मुकदमा तुम मेरे खिलाफ इसलिए चलाना चाहते थे क्योंकि तुम्हारी बीवी राधा ऐसा चाहती थी। मैं साबित कर सकता हूं क्योंकि राधा की शादी
उसकी मर्जी के खिलाफ तुमसे की गई थी, जिसका वो मुझसे बदला लेना चाहती है। मैं ये भी साबित कर सकता हूं कि तुम्हारा एफआईआर बेबुनियाद है और तुम मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकते। डीसीपी और इंस्पेक्टर इस बात के गवाह हैं कि सीता को छुड़ाने के लिए मैंने पुलिस की मदद की थी। मैं जानता हूं पैसे में बहुत ताकत होती है, बड़े बड़ों को खरीद सकता है पैसा, और वो पैसा मेरे पास है, तुम्हारे या तुम्हारे ससुर के पास नहीं है। वैसे ये केस तो तुम जीतोगे नहीं, उल्टा मैं तुम पे मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा। मैं ये साबित करके रहूंगा कि मुझे समाज में बदनाम करने के लिए तुमने मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगाया है। बेटा धनराज, अब मुझे ये बताओ कि ये केस लड़ने के लिए और मुझे हर्जाना देने के लिए कहां से लाओगे पैसा? बेटा धनराज, कोई गलत कदम उठाने से पहले उसका नतीजा सोच लेना चाहिए, वरना क्या होता है, ये खेल बहुत महंगा पड़ सकता है, समझे? चलता हूं। मीता, तुम उस बात को लेकर अभी तक परेशान हो? पूरब ने जो भी कहा वो तो पूरी जिंदगी मुझे परेशान करता रहेगा, वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है? छोड़ो ना, वो बच्चा है। दूसरे भी तो बच्चे हैं और उससे भी छोटे हैं। वो छोटे हैं इसीलिए उन्हें बुरा नहीं लगा, वो पहले भी छोटे थे अब भी छोटे हैं, लेकिन पूरब पहले हमारा बड़ा बेटा था और अब मोहन हमारा बड़ा बेटा है, तो पूरब के लिए ये सोचना बिल्कुल नेचुरल है कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है। लेकिन ये सच नहीं है।